एलओसी पर नापाक फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है और जो तस्वीरें आई हैं वो कल शाम की हैं। उड़ी के हाजीपीर में कल पाकिस्तान की तरफ से जमकर फायरिंग हुई है, जिसका भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पिछले दो दिनों से एलओसी पर कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। तमाम एलओसी के इलाके, चाहे वो उड़ी हो, तंगधार हो, गुरेज हो, नौशहरा हो, हर जगह पर नापाक फायरिंग लगातार जारी है, जिसमें खबर आई कि एक जवान शहीद भी हुआ और कई नागरिक इसमें जख्मी भी हुए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि इसका सख्त संज्ञान लेते हुए पाक उच्चायोग में विरोध भी दर्ज करवाया गया है और पाकिस्तान की इस करतूत का भारतीय फौज करारा जवाब दे रही है और इसकी तस्वीरें भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया में दिख रही हैं। यह वीडियो पीओके का बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से भारतीय फौज की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। एलओसी की तस्वीरें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन, फायरिंग लगातार हो रही है, स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया की तस्वीरें हैं। हालांकि भारतीय फौज की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान उच्चायोग को भी इसके बारे में अलर्ट किया गया है। तो पाकिस्तान की तरफ से हो रही इस फायरिंग का भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वीडियो हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये तस्वीरें हाजीपुर की, जहां पर पाकिस्तान की तरफ उड़ी के हाजीपीर की तस्वीरें, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं। लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से, न सिर्फ फौज को बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। गोलियों की आवाजें लगातार सुनाई पड़ रही है। उन्नाव रेप कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज पीड़िता की मां की चिट्ठी पर सुनवाई करने के लिए, 17 जुलाई को मिली चिट्ठी कोर्ट के संज्ञान में काफी देरी से आई थी और आज इसी को लेकर सुनवाई होनी है। यही नहीं, उन्नाव रेप केस की सुनवाई लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने पर भी फैसला हो सकता है। कोर्ट में आज यूपी सरकार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करने वाली है। जिस वारदात ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया, जिस केस ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया, उस केस में आज सुप्रीम सुनवाई का दिन है। रेप पीड़िता की मां की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है कि चिट्ठी 17 जुलाई को ही मिल गई थी तो इसे मंगलवार शाम 4 बजे से पहले सुनवाई के लिए क्यों नहीं रखा गया। इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस से शिकायत की गई थी कि रेप पीड़िता और उसके परिवार को बीजेपी नेता समेत तमाम आरोपी धमका रहे हैं। ये चिट्ठी 12 जुलाई को लिखी गई थी। इसके ठीक एक हफ्ते बाद ट्रक की टक्कर में पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि केस की गवाह चाची और मौसी की मौत हो गई। कुलदीप सेंगर मेरा पूरा परिवार खा गया, हम ही हम रह गए। कुलदीप सेंगर मेरा पूरा परिवार खा गया, हम ही हम रह गए। रायबरेली में रविवार को हुए कथित हादसे के बाद जब उन्नाव का मामला गरमाया, तभी पीड़ित परिवार से चिट्ठी लिख के जाने की बात सामने आई। इस चिट्ठी को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने कल अदालत में बेहद तल्ख टिप्पणी की। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा,
आज सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि उन्नाव की पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है। मुझे इसके बारे में कल सूचित किया गया था। मैंने अब तक चिट्ठी नहीं देखी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से लगता है कि चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेहद उथल पुथल भरे माहौल में हम कुछ रचनात्मक करने की कोशिश करते हैं और फिर ऐसा कुछ हो जाता है। पॉक्सो कानून के प्रावधानों को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील वी गिरी ने इस पर कोर्ट से कहा कि उन्नाव केस गंभीर मोड़ ले चुका है। एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को इस केस को लखनऊ से ट्रांसफर करने का भी सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली बेंच के समक्ष वरिष्ठ वकील वी गिरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्नाव रेप केस की सुनवाई कर रही लखनऊ की अदालत के पास इस केस की सुनवाई के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। इसलिए इस केस को ऐसी अदालत में शिफ्ट करने पर विचार होना चाहिए जहां जान के खतरे का सामना कर रही पीड़िता और गवाहों की काउंसलिंग समेत ऐसे केस की सुनवाई के लिए जरूरी सारी सुविधाएं हो। सुप्रीम कोर्ट में आज चिट्ठी को लेकर सुनवाई होगी तो उम्मीद है कि उन्नाव रेप केस की सुनवाई यूपी के बाहर शिफ्ट करने पर भी कोई फैसला हो। पीड़िता के वकील ने भी आज तक से कहा कि वो कोर्ट से एक केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करेंगे क्योंकि पीड़ित परिवार की जान को खतरा है। जो विक्टिम जो है, दबाव इतना है गांव में, हर तरफ से दबाव है, इसीलिए 30 से ज्यादा खत जो है ये सुप्रीम कोर्ट को 2 खत मिला है 12-13 तारीख को, और चीफ सेक्रेटरी ऐसे खत गया था और डीजीपी को भी गया था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। अभी ये हादसा होने के बाद सब जो है वो चिट्ठी को देखने पड़ेगा। आज की सुनवाई में रेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी रखी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार से मेडिकल रिपोर्ट तलब की है। उन्नाव रेप केस को लेकर अभी तो दबी हुई चिट्ठियां सामने आई हैं। अब वो लोग सामने आएंगे और उनकी करतूतें जिन्होंने चिट्ठियां दबाने का काम किया। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में संज्ञान लिया, बाकी राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, उन सब लोगों के यहाँ चिट्ठियां गई थी, लेकिन वो चिट्ठियां फाइलों में दबकर रह गई। अब न केवल चिट्ठियां बल्कि उनकी चिट्ठी के पीछे उन करतूतों का भी खुलासा होगा जिनसे चिट्ठियां दबी रही। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।